नमस्कार सर। मैं मोहम्मद अशरफ। मैं मोहम्मद अल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रक्ष यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं आज वीडियो के वीडियो का टाइटल है 1 मिलियन जॉब्स फॉर इंडियंस स्विट्जरलैंड एंड बिग अनाउंसमेंट। 1 मिलियन जॉब्स स्विट्जरलैंड में, 1 मिलियन 10 लाख जॉब, अनबिलीवेबल। देखते हैं विश्व भाई वीडियो पहले फिर देते इस पर एक्शन। आप अगर इन 2-3 वाक्यात की बेस पे अगर आप कहेंगे कि इन्वेस्टर नहीं आ रहा तो आप इंडिया के वाक्यात क्यों नहीं उठाते? इंडिया में तो इस तरह के सैकड़ों वाक्यात होते हैं डेली मुसलमानों के साथ। जरा एक दो के मतलब कि भाई ये हुआ, जैसे मैं लेट्स सपोज कहता हूं जड़ांवाला का इशू हुआ, फिर पेशावर में जो है वो एक सिख कम्युनिटी से एक जो भाई है जिनकी जान गई। अभी ये आज के वाक्यात देख लें, बलोचिस्तान में हर रोज कोई ना कोई अटैक हो रहा है। आज मुझे ये बताएं इंडिया में कितने अटैक। देखें इंडिया में कितने अटैक हुए हैं, ऐसे मेरा इतना वसी नॉलेज नहीं है, मैं 2-4 मैं आपको बता देता हूं। पहला तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आप देखें हिजाब के ऊपर जो उनके मामला चल रहे हैं, आपने वो बच्ची की वीडियो नहीं देखी? आप लोग सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं देखते? जो अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से yes, yes. मैं उसके ऊपर आपको बात बताऊँ क्योंकि मैं तो प्रॉपर स्टडी करता हूँ। वही बच्ची ने इंडिया में वो वहाँ का जो है क्या किया, टॉप किया उसने। या मैं नहीं बोल रहा, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर्स की डिग्री लेके बाहर जाते हैं बट फिर भी गार्ड्स। अच्छा, यहाँ से बैचलर की डिग्री लेके बाहर जाते हैं, कोई गार्ड, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, और दूसरी साइड पे इंडियन भी आपके वहाँ पे देखने को मिले होंगे ना? इंडियन डेफिनेटली, जो इंडियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं इंडियंस को, ठीक है। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी एक वक्त तक वहाँ काम कर सकता है तो अच्छा। हाँ, और उसके बाद उसको एक बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है कि आया कि यहाँ पे क्यों काम कर रहा है, उसकी क्या वजह है, मतलब काम कर रहा है। सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। अभी इंडिया की आर्मी, इंडिया की अगर हम बात करें एयरफोर्स, इंडिया की नेवी सऊदी अरेबिया में जाके वर्ल्ड डिफेंस शो हो रहा है 2024, वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन है। पाकिस्तान से उन्हें बुलाया नहीं सऊदी अरेबिया ने। आप कम्पीट कर रहे हैं चाइना के साथ, आप कम्पीट कर रहे हैं इंडिया के साथ, आप बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, उन सब के साथ जब तक ये कम्पिटिटिव नहीं होगी तो आपको आप कोई भी ऑर्डर विन नहीं कर सकते। इंडिया ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, बांग्लादेश ने रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर फोकस किया। अब वो जितना भी उनका वर्क फोर्स है वो सारा का सारा वो उस तरह उन्होंने डेवलप किया है, जिसकी वजह से वो सारा कुछ आना शुरू हुआ। जब वो आपके पास बहुत ज़्यादा आपको पता चले कि इसके ऊपर वर्क किया, हमने अपने आप को तबाह करने के ऊपर। देखें 2008 से पहले पाकिस्तान से ना चाइना आगे था जी टेक्सटाइल सेक्टर की, सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आपका इंडिया आगे था। लास्ट में ये बता दें ये कप कितने का मिल रहा है? ये कप 70 रुपए का मिल रहा है। 70 रुपए का, अगर कैमरामैन दिखाएं 70 रुपए का कप है। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं सेम यही कप आपको वहाँ से कितने का मिलता है, एक स्टॉल से, एक आम से स्टॉल से, ये जरूर कमेंट में बताइएगा जी। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान में भी इलेक्शन हो चुके हैं और बड़ी खबर ये है कि 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड इंडिया में करने जा रहा है, तकरीबन 1 मिलियन के करीब जॉब्स वहाँ पे देने जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि अब से पहले तक ये कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से फॉरन इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहे, क्या अब इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी? क्या जैसे इंडिया में 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड करने जा रहा है, क्या हमारे यहाँ 100 बिलियन की बजाय 10 बिलियन की भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? क्या पाकिस्तान के रिलेशन तमाम कंट्रीज़ के साथ, खासतौर पर नेबर कंट्रीज़ के साथ अब बेहतर होंगे? इसके ऊपर जो पब्लिक की ओपिनियन है, यूथ की ओपिनियन है, वो आप तक पहुँचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वाजिद। आपका नाम सर? एहसन। क्या करते हैं? मैं आजकल तो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, वैसे मेरा मार्केट रिसर्च से ताल्लुक है। रिसर्च से ताल्लुक है, जबरदस्त, बात करके अच्छा लगेगा। सर टॉपिक हमारा ये है, पहले आप ही बता दें क्या करते हैं फिर टॉपिक की तरफ। बेसिकली हम सेम इंडस्ट्री से हैं, मैं बेसिकली एक रिसर्च एजेंसी चलाता हूँ ऑप्टिमम इनसाइट के नाम से। ये किस हवाले से रिसर्च करते हैं आप? सर्वेस, कंज्यूमर सर्वेस, पॉलिटिकल सर्वेस, हर तरह के सर्वेस कंडक्ट करवाते हैं हम लोग। तो इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगेगा अगर ये पॉलिटिकल सर्वे करते हैं, अगर ये इस चीज़ का भी सर्वे करते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे, नेबर कंट्री की बात करें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों जा रही है, बांग्लादेश में क्यों इन्वेस्टमेंट जा रही है। सर टॉपिक हमारा ये है, पाकिस्तान में हो गए इलेक्शन, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक तो ये चीज़, और दूसरे नंबर पर भी खबर ये है 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जा रही है इंडिया में स्विट्जरलैंड की तरफ से, क्या पाकिस्तान में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पॉसिबल है या नहीं? इसका इस तरह से है कि आपके फर्ज करें इलेक्शन हो गए, इन आप पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, जब आपकी प्रोडक्शन इस कदर महंगी हो जाएगी, आपके बिजली इस कदर एक्सपेंसिव है, आपके पास एक्सपीरियंस लेबर फोर्स नहीं है,
आपका जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो बाहर से कैसे कोई आएगा। तो जब ये तमाम चीज़ें रिजॉल्व होंगी, इन चीज़ों का रिजॉल्व इस तरह होगा कि जब आप एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है वो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग करती है, जिससे आपके एनर्जी और आप मुख्तलिफ सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पिछले दौर में देखा टेक्सटाइल सेक्टर को हमने सपोर्ट किया, वो किस तरह किया, उनके प्राइस कंपेटिटिव बनाई इंटरनेशनल लिहाज से, जिसमें आपने देखा। जी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, आपने बोला लास्ट हमने पिछले दौर में टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से बंद होकर बांग्लादेश जा रही है, हमने कैसा देखें। इन्वेस्टर को तो जहाँ से पैसा मिलेगा वो वहाँ चला जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर उसकी वो कम्पीट ही नहीं कर सकता, आपने कोटेशंस भेजनी है बाहर और दुनिया से लोग उन्हें उस पर कोट करना है, तो आप कंपेटिटिव ही नहीं होंगे, आपके रेट्स ही उसके मुताबिक नहीं हो सकते, आपको तो एनर्जी उस तरह अवेलेबल नहीं है, आपके मशीन्स उस तरह नहीं है। दूसरे नंबर पे जो मेन बात इन्होंने की है, जिससे मैं थोड़ा सा शॉक हूँ कि वर्क फोर्स लेबर जब तक किसी भी कंट्री में नहीं होगी, हालांकि पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे शायद उस तरीके से स्किल लेबर नहीं मौजूद है जो कि हमें इंडिया में या बांग्लादेश में देखने को मिलती है। स्किल लेबर जो है ना वो डेवलप की जाती है किसी भी सेक्टर के अंदर। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पहले प्लानिंग होती है आपके पास कि हमने कितने इंजीनियर पैदा करने, कितने टेक्नीशियन पैदा करने, कितने लेबर पैदा करने, और जो इंजीनियर जो टेक्नीशियन जो लेबर पैदा हो उसे पाकिस्तान में रखना भी है, ये ना हो कि वो ब्रेन ड्रेन हो रही है सारे पाकिस्तान से बाहर। जी बिल्कुल नहीं, ब्रेन ड्रेन देखें, ब्रेन ड्रेन जो है वो थोड़ी एक्सपोनेंशियल हुई है इस दफ़ा हमारे मुल्क में, लेकिन हर मुल्क में होती है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाते हैं लोग, लेकिन स्टिल आपके पास ऐसी वर्क फोर्स मौजूद होती है, आप ट्रेन करते हैं, फ्रेश लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि वो उस इंडस्ट्री की खपत को पूरा कर सकें। तो पूरा सिस्टम एक चीज़ के ऊपर आप नहीं इसको रिलाई कर सकते, आपको पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। इस तरह की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरी टॉप 10 इंडस्ट्रीज हैं जिसको मैंने ग्रोथ करनी है, इसे आप इस ले लिए ऑटोमोटिव सेक्टर है, तो वो आपका जो ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए जो टेक्नीशियंस हैं और जो आपकी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए आप वो इम्पोर्ट करते हैं, वो आप यहाँ लगाते हैं, वो आप लोग उसके लिए ट्रेन करते हैं। तो जब तक आपका वो चीज़ें तमाम की तमाम कंपेटिटिव नहीं होती ग्लोबल मार्केट के साथ, जिनके साथ आप कंपीट करते हैं, आप कंपीट कर रहे हैं चाइना के साथ, आप कंपीट कर रहे हैं इंडिया के साथ, आप बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, उन सब के साथ जब तक ये कंपेटिटिव नहीं होगी तो आपको आप कोई भी ऑर्डर विन नहीं कर सकते, आना ही नहीं चाहेगा, बल्कि आपके मुल्क के इन्वेस्टर इस पर इन्वॉल्व नहीं होंगे। बाहर कैसे आपने बोला जैसे बांग्लादेश की चाइना की या खासतौर पर अगर इंडिया की बात करें, कैसे वहाँ पे लेबर वर्क के ऊपर काम किया जा रहा है, वहाँ पे जो है वो स्किल्ड लेबर के ऊपर काम किया जा रहा है, क्यों वहाँ पे इन्वेस्टर क्यों आ रहे हैं आपके ख्याल से? क्या सिर्फ ये वजह कि वो मार्केट बड़ी है, क्या सिर्फ ये वजह है कि उनकी आबादी ज़्यादा है, या उसके ऊपर ट्रस्ट इशू भी आ जाता है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाती है, क्या ये भी चीज़ें? जिन्हें मेनली देखें सारा कुछ तो ना पोलिटिकल स्टेबिलिटी ड्राइव करती है, फिर उसके बाद आपकी कितनी पॉलिसीज अच्छी हैं वो आपको ड्राइव करते हैं कि आपके पॉलिसी ऐसी हैं कि वो उस तरह। इंडिया ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, बांग्लादेश ने रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर फोकस किया, अब वो जितना भी उनका वर्क फोर्स है वो सारा का सारा वो उस तरह उन्होंने डेवलप किया है, जिसकी वजह से वो सारा कुछ आना शुरू हुआ। जब वो आपके पास बहुत ज़्यादा आपको पता चले किसके ऊपर वर्क किया, हमने अपने आप को तबाह करने के ऊपर फोकस किया। मजीद भी बात करूंगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो सर ने गुफ्तगू की, आप क्या उसे एग्री करते हैं? और सेकंडली मैंने उनसे एक सवाल किया, क्या वजह है नेबर कंट्री में क्यों इन्वेस्टमेंट जा रही है, क्या सिर्फ ये वजह है कि उनकी मार्केट बड़ी है, उनकी आबादी ज़्यादा है तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहे हैं, या वहाँ पर कोई ट्रस्ट उनके ऊपर किया जा रहा है, या पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है इस वजह से वहाँ पर इन्वेस्टर आ रहे हैं? देखें, इनमें जो एहसन भाई ने दो बातें की हैं, उन दो पहले दो पॉइंट्स जो उन्होंने किए हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस पर भी मैं एग्री करता हूं, वर्क फोर्स स्किल इस पर भी एग्री करता हूं, लेकिन मैं कुछ इसमें एडिशन करना चाहता हूं। आपने जैसे बांग्लादेश की एग्जांपल दी है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप अगर देखें 2008 से पीछे आप चले जाएँ, तो पाकिस्तान जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की जो आपकी सुदर मंडी फैसलाबाद की मंडी है, जो मैनचेस्टर ऑफ एशिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह सकते हैं एशिया में तो नहीं, क्योंकि एशिया में तो और भी कंट्रीज चाइना आ जाता है, इंडिया आ जाता है, वो उसे कम्पीट करना। देखें 2008 से पहले पाकिस्तान से ना चाइना आगे था। अच्छा। जी टेक्सटाइल सेक्टर की, सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ना आपका इंडिया आगे था। अब सेकेंडली बात करते हैं कि जी उधर क्यों चले गए। अब देखें, पहली चीज़ तो ये, उस वक्त पोलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी, 2008 से लेकर 13 तक जरदारी साहब का दौर था, तो मसला ये था कि आपकी जो कॉस्ट थी, आपके जो रिसोर्सेज थे, आपकी जो एनर्जी थी, वो आपने कॉस्ट ने इतनी हाई कर दी थी, आपने इन्वेस्टर्स को, लोगों को इतना मजबूर कर दिया था। इन्वेस्टर कोई भी होता है ना, देखें वो देखता है कि उसको प्रॉफिट कहाँ से ज़्यादा मिलेगा,
तो आप 2008 से लेकर 2013 तक जितना भी इन्वेस्टर फैसलाबाद का ले लें या पूरे पाकिस्तान का ले लें, सारा उठ के चला गया बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की मार्केट ने उस वक्त इनको कैप्चर किया, उन्होंने इनको फैसिलिटीज़ दी, जी सब्सिडीज़ दी, फैसिलिटीज़ दी, जगह दी, उन्होंने उनको अच्छी पॉलिसीज़ ऑफर की, ये लोग सारे उठ के वहाँ चले गए। अब आप सेकंड बात करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन आप 70 साल 80 साल तारीख उठा के देख लें तो ये तो हर 2-3 साल बाद यही ड्रामेबाजी चलती है, तो ये तो कभी स्टेबल होती नहीं है। और आगे होने की कोई उम्मीद नजर आ रही है? मेरा नहीं ख्याल, ये अभी भी जो मिली भगत से आज हुकूमत बनेगी, सबको ही पता है ये हुकूमत ऑलरेडी डिसाइडेड है। और सर ने, भाई ने भी ये बोला कि भाई अभी आज इलेक्शन है, इलेक्शन के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे, और अभी खुद ही उन्होंने उस चीज़ का जवाब दे दिया कि भाई 70-75 साल से यही चीज़ चलती आ रही है। मैं ये समझता हूँ इन चीज़ों पर, मतलब गवर्नमेंट किसकी आएगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये सबको पता है, इसकी बजाय हमें बात करनी चाहिए पाकिस्तान की यूथ में अवेयरनेस कैसे आएगी, पाकिस्तान जो मेजर इशूज़ हैं, जो फॉरन इन्वेस्टर नहीं पाकिस्तान में आ रही, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं बेहतर हो रहे, इन चीज़ों के ऊपर बात करने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। एक चीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू चल रही है। दूसरी इन्होंने बात की कि भाई जब तक स्किल लेबर नहीं होगी। तीसरी मैं इनसे पूछना चाहूंगा सर से कि क्या आपको नहीं लगता कि जैसे वो श्रीलंका वाले मैनेजर का वाकया हुआ सियालकोट में, यानी एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में थोड़ा सा एक एलिमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से यहां पे इन्वेस्टर नहीं आते, क्या ये भी एक फैक्टर है? ये भी एक फैक्टर है, लेकिन आप ये देखें कि अगर एक वाकया हुआ तो उससे ऐसा नहीं हुआ कि बाकी इन्वेस्टर जो है वो चले गए। ठीक है, आप वैसे बड़े ऑर्डर कैंसिल हुए थे? नहीं, बिल्कुल कैंसिल हुए। क्या चाइना के जो यहाँ पे सारे फॉरेनर्स हैं यहाँ पर हमारे पास, वो चले गए वापस? चाइना ने ये जरूर बोला था कि अगर इस, क्योंकि चाइना के ऊपर भी अटैक होते रहे, चाइनीज जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने बोला था अगर यही सीन रहा तो हम सीपैक वाला प्रोजेक्ट भी बंद कर देंगे और यहाँ पे। बिल्कुल सही है, उनका उनका जो कंसर्न है वो कंसर्न जो है वैलिड है, हमने भी उसको ऐसे ही लिया कि ये वैलिड कंसर्न है और ये सब होंगे। आपका काम है कि आप, जहरी बात है कि कौन सा मुल्क है जो दहशतगर्दी चाहता है? हमारे मुल्क में हम उसके लिए एक दफ़ा जंग लड़ चुके हैं, हमने साबित किया कि हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको विल चाहिए, आपके सब लोग, हमारी फौज जो है, सब कुछ हम कैपेबल हैं कि हम इस चीज़ से इसको ख़त्म कर सकते हैं। और ये ग्लोबल फिनोमेना भी है, ये सिर्फ हमारे मुल्क का फिनोमेना नहीं है, हमारे बॉर्डर से, दूसरी जगहों से, सब जगह से ये इनहेरिट होती है। तो आपको हमारी विल अगर होगी तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हम ये पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। 100% मैं एग्री करता हूँ, जब तक हमारी सोच, हमारी नीयत नहीं होगी तब तक हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करेंगे और तब तक इन चीज़ों में बेहतरी नहीं आ सकेगी। एक्सट्रीमिज्म के हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्या एक्सट्रीमिज्म भी एक फैक्टर है, एक एलिमेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आ रहे? देखिए, ये जो आपने बात की और एहसन भाई ने भी ये बात की है ना एक्सट्रीमिज़म की, आपने एक दो केसेस निकाल के बता दिया है कि जैसे पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म कहीं है नहीं। मैंने तो ये बोला, मैंने ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं, इसे तासर ऐसा जा रहा है कि आप इसको एक फैक्टर बना रहे हैं, ये फैक्टर नहीं है। चंद एक कम अकल लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। जी मैं इसके ऊपर आता हूँ। आप अगर इन 2-3 वाकयात की बेस पर अगर आप कहेंगे कि इन्वेस्टर नहीं आ रहा तो आप इंडिया के वाकयात क्यों नहीं उठाते? इंडिया में तो इस तरह के सैकड़ों वाकयात होते हैं डेली मुसलमानों के साथ। एक दो के मतलब कि भाई ये हुआ, जैसे मैं लेट्स सपोज कहता हूँ जड़ांवाला का इशू हुआ, फिर पेशावर में जो है वो एक सिख कम्युनिटी से एक जो भाई है जिनकी जान गई, अभी ये आज के वाकयात देख लें, बलोचिस्तान में हर रोज कोई ना कोई अटैक हो रहा है। आज मुझे ये बताएं इंडिया में कितने अटैक? देखें, इंडिया में कितने अटैक हुए हैं ऐसे मेरा इतना वसी नॉलेज नहीं है, मैं 2-4 मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप देखें हिजाब के ऊपर जो उनके मामला चल रहे हैं, आपने वो बच्ची की वीडियो नहीं देखी? आप लोग सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं देखते? जो अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से वायरल हो गया, मैं उसके ऊपर आपको बात बताऊं क्योंकि मैं तो प्रॉपर स्टडी करता हूँ। वही बच्ची ने इंडिया में वो वहाँ का जो क्या किया, टॉप किया उस, या मैं नहीं बोल रहा ये बोल रहे जी, यानी वो उन्होंने एग्जांपल, अगर ये थोड़ी सी वीडियो सामने ही तो उन्होंने एग्जांपल भी बताई। अब ये बता दें कि जड़ांवाला का वाकया हुआ उसके बाद कितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने आके टॉप कर लिया है, कितने क्रिश्चियन ने आके जो उनसे बड़ा बिजनेस सेट कर लिया कि हम कहेंगे ये देखो लेट्स सपोज जड़ांवाला में कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर जलाए गए तो ये देखो इतना बड़ा बिजनेस। जी इसमें एक चीज मैं आपकी मानता हूँ, उसमें कोई ऐसा लीडर, ये काम है एक लीडर का जो आपकी जनरेशन को बेसिकली सिखाए बताए जी, और वो चीज़ जो देने आता है उसको आप देने नहीं देते। आप चाहते हैं कि बस आप उन्हीं चीज़ों में खुबे रहें 75 साल से जिनमें खुबे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ये 2-4-5 वाकयात होते हैं तो इंडिया में इस तरह के दर्जनों वाकयात डेली होते हैं।
आप एक बता दें बांग्लादेश का या इंडिया का कोई, मैंने वो भी गुजारिश की कि एसएच में अगर आप मुझे इस इंटरव्यू के बाद आप अपना मुझे कोई कॉन्टेक्ट नंबर दें, मैं आपको प्रॉपर वीडियोस विद एविडेंस दूंगा, आप अपनी इसके साथ ऐड कर लीजिएगा। ऐसा करेंगे अगर सर के पास टाइम हुआ, कभी मौका हुआ, तो प्रॉपर इसके ऊपर जो है हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई ये देखें पाकिस्तान में अगर ये 10 दिनों में 10 अटैक हुए हैं, इतने लोगों की जाने गई हैं, तो उसी दूसरी साइड पे इंडिया में कोई 2 अटैक हो गए, 3 हुए हैं, अगर हुए हैं तो इंशाल्लाह 10 के बजाय आपको 20 के ही दूंगा इंशाल्लाह ताला, मैं इसके ऊपर हम डिबेट करेंगे। जी सर जरूर। देखें इंडिया जो है इसका इशू आपका टेररिज्म क्यों आती है, ठीक है, आप एक वोलेटाइल जोन में बैठे हुए, ठीक है, पाकिस्तान जो है दैट इज रिबेलिंग अगेंस्ट द सुपर पावर्स, एक तरफ अफगानिस्तान है, आपके बॉर्डर्स जितने भी हैं आपके दुश्मनों से घिरे हुए हैं। क्या वजह है, ये भी एक सवाल बनता है ना, यानी इंडिया का एक मिनट के लिए सोच लेते हैं जी, हमें 76 साल से बताया गया दुश्मन अफगानिस्तान क्यों दुश्मन हो गया, अफगानिस्तान दुश्मन नहीं है, ईरान क्यों हो गया, ईरान भी दुश्मन नहीं है, इन ये स्टेट टेररिस्ट एक्ट्स जो है वो करवाए जाते हैं, ठीक है, जो मुल्क गरीब होते हैं वहाँ पे इस तरह के लोग खरीदे जा सकते हैं, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, इसकी इंडस्ट्री बनाई जा सकती है। इसकी रोकथाम किसका काम? इसकी रोकथाम देखें, ये मैंने आपको पहले कहा कि ये ग्लोबल इशू है, ये न सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, आप वहाँ से अब आपके आधा जो है वो ईरान की तरफ, आपके एक कबीला बैठा हुआ है, एक कबीला इधर है, उनके आपस में रोज़ मुलाकातें होती है, बॉर्डर्स तो सील नहीं है। अच्छा, ये अगर ग्लोबल इशू है तो जो दूसरे कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया की बात करें या इवन दुबई की बात कर लेते हैं, डेली बेस पे कितने वहाँ पे विजिटर जाते हैं, कितने कंट्रीज से जाते हैं वहाँ पे? नहीं, इशू इसलिए नहीं आते कि वो कंट्रीज जो हैं वो अपने तौर पर सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन वो सेल्फ सफिशिएंट पूरे एक प्रोसेस के तहत हुए हैं। हर नेशन ने जो हम दौर देख रहे हैं, हर नेशन ने ये दौर देखा है, वो टफनेस जो है वो सारी नेशन जो है वो गुजरती है उससे और उसके बाद फिर आगे जाती है, और हम उस दौर से अभी गुजर रहे हैं, कुछ लोग पहले गुजरे हैं, कुछ बाद में गुजरेंगे, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम इससे गुजर रहे हैं, हम ये चीज़ें देख रहे हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस आ रही है, मैं बिल्कुल बेहतरी की उम्मीद इलेक्शंस के बाद मैं और भी बेहतरी की उम्मीद देखता हूँ। अच्छा लगा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिबेट हुई है, देखें किसी भी पॉइंट से एग्री करना डिसएग्री करना मेरा हक है, देखने वालों का हक है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह है कि ये कोई भी पॉइंट जो भी इनकी ओपिनियन है उसे एक्सप्रेस कर सकें, इन्होंने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस की, अच्छा लगा बात करके, काफ़ी टेक्निकल बातें इन्होंने बताई जिस वजह से पाकिस्तान में फॉरन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जिस वजह से पाकिस्तान के रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पर उस तरीके से बेहतर नहीं है। कोशिश करेंगे भाई के साथ फिर से एक प्रोग्राम करें अगर उनके पास टाइम हुआ तो, आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा बात, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमजा रशीद। और आपका नाम भाई? अली रजा। क्या करते हैं आप? मैं सेल्समैन एज अ अल्फता स्टोर। ठीक है, और आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, जबरदस्त, क्या पढ़ाते हैं? मैं ओ लेवल पढ़ाता हूँ, IGSE पढ़ाता हूँ, IB पढ़ाता हूँ। क्या बात है। अच्छा जी, इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इलेक्शन हो गया पाकिस्तान में, बड़ा मतलब बड़े टाइम से ये शोर था इलेक्शन होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे और कुछ बेहतर होगा, पाकिस्तान की कंडीशन बेहतर होगी। सबसे पहले तो ये बता दें जो इलेक्शन हुए हैं वो फ्री एंड फेयर हुए हैं, एक तो ये, और सेकेंडली अब इलेक्शन के बाद जिसकी भी गवर्नमेंट आती है फॉरेन कंट्रीज से हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके ख्याल से अब लोग ट्रस्ट करेंगे, यहाँ पे बिजनेस करना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये लाइक करता है कि फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे जो पॉलिटिशियन आते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो अगर होती है तभी इस तरह ये होता है कि इन्वेस्टमेंट आए, हाँ इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हमारी जो पब्लिक है वो हमारे पॉलिटिशियंस जो भी आएंगे गवर्नमेंट में उन्हें एक्सेप्ट करेगी, तो ही फॉरेन लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाएगा। आप सर बताइएगा, क्या समझते हैं कि दुनिया का कोई भी कंट्रीज हो, हम अपने नेबर कंट्री में देख लें, इंडिया में देख लें, अभी खबर है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्ज़रलैंड करने जा रहे हैं इंडिया में, और तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो है वो जॉब्स क्रिएट करने जा रहा है, वहाँ पर जॉब प्रोवाइड करेगा, तो हमारे पाकिस्तान में इतनी बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, उसकी क्या वजह है, इंडिया में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? उसमें देखें सबसे बड़ी बात ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके जो फॉरेन्स हैं उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट तभी होगा जब आपका एक फेयर लीडर आएगा। जब आपका फेयर लीडर नहीं आएगा वो जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगी, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगी। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे इंडिया का है वो मुख्तलिफ दौरों पे जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर है डेफिनेटली, उसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिफरेंट दौरों पे जाते हैं और इंडस्ट्रीज को कहते हैं कि हमारी कंट्री में आके आप बिजनेस करें, ठीक है, और उसके अलावा उनको बेनिफिट्स भी देते हैं उसके, उसमें लाइक उनको
रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, बिजली या सब्सिडी या कुछ ना कुछ इस तरीके से देते रहते हैं। और जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तब तक आप, मेरा नहीं ख्याल, आप तरक्की कर सकेंगे। ये बड़ी लॉजिकल बात की है कि भाई अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं दूसरे किसी भी कंट्री की, मैं कहता हूँ इंडिया को एक मिनट के लिए साइड पर रखते हैं, हम बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं, वो भी फॉरेन इन्वेस्टर जो इवन पाकिस्तान से उठ के इंडस्ट्रियलिस्ट बांग्लादेश जा रहे हैं उन्हें कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस चीज की समझ नहीं आ रही। आप इनकी इनकी बात से एग्री करते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उनसे हैं मुस्लिम कंट्रीज का विजिट करते हैं, नो डाउट हर महीने में उनका कोई ना कोई विजिट रहता है, अभी भी वो अबू धाबी में 2-4 दिन तक शायद विजिट के लिए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है? सिर्फ इसलिए उनका लीडर बेहतर है वहां पे, इन्वेस्टमेंट इसलिए आ रही है कि वहां पे यूथ एजुकेटेड है, मतलब लोगों को पता है कि यहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ बैकअप कुछ मिलेगा, वापस रिटर्न में मिलेगा, क्या रीजन क्या है इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, जैसे 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट? इंडिया में इन्वेस्टमेंट का ये है कि उनमें जो लीडर्स हैं वो अपना एक टेन्योर पूरा करते हैं, ये ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड है, यहाँ एक साल तक कोई हुकूमत नहीं कर सकता, जैसे एक साल गुजरता है आपस में किचकिच शुरू हो जाती है। अगर वो अब बाहर कुछ इंडस्ट्री लेवल पे कुछ करना चाहें, सबसे पहले तो उन्हें अपने मुल्क के जो इख्तलाफात है उसको दूर करना होगा, ठीक है, वो अपनी लड़ाइयों में इतना मगन हो जाते हैं कि वो बाहर देख नहीं सकते, आपस में लड़ाई मतलब अपोजिशन करें, एक दूसरे से मैं आपसे इख्तलाफ करूं वो उनसे इख्तलाफ करूं, लेकिन जिधर कंट्री की बात है जिधर पाकिस्तान की बात है उधर हमें यूनिटी दिखानी चाहिए जो कि शायद हमें नेबर कंट्री में नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यूनिटी कैसे दिखाएंगे, वो अपनी चेयर के पीछे पड़ जाते हैं कि हम इसको संभालें या हम बाहर चले जाएं, अगर हम बाहर के बारे में सोचते हैं तो वो अपनी चेयर को नहीं संभाल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान कितना नुकसान हो रहा है, दूसरे कंट्रीज हमारे से कितना आगे निकल चुके हैं, आज अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें इंडिया में कितनी हो रही है, बांग्लादेश में कितनी हो रही है और पाकिस्तान में कितनी हो रही है? पाकिस्तान में तो यू बोले जीरो जा रही है, ठीक है, बांग्लादेश तो हमारे से बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, आप यू कह ले कि हम एक वॉकिंग टॉकिंग जाते हैं बाहर, फॉर एग्जाम्पल किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाए तो वहाँ पाकिस्तानी की जो रिस्पेक्ट है वो जीरो है, ठीक है, ठीक, पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट। आपका कोई विजिट हुआ है फॉरेन कंट्री का? हाँ जी, मैं सऊदी अरेबिया गया हूँ, ठीक है, वहाँ पे जो हमें देखा जाता है जस्ट कॉज ऑफ के हमारा जो कंट्री लेवल है, हमारी इकोनॉमी है वो डाउन है, वो जीरो है, जिसकी वजह से हमें बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अभी सऊदी अरेबिया सबको पता है इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, अगर वहाँ पे हमारी ये रिस्पेक्ट है तो दूसरे अगर हम कनाडा में चले जाएं, दूसरे फॉरेन कंट्री में चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, उधर तो फिर शायद इससे भी ज्यादा हमें बुरी नजर से देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जो स्टूडेंट्स है वो बैचलर्स की डिग्री लेके बाहर जाते हैं बट फिर भी गार्ड्स। अच्छा, यहाँ से बैचलर की डिग्री लेके बाहर जाते हैं, कोई गार्ड, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, और दूसरी साइड पे इंडियन भी आपके वहाँ पे देखने को मिले होंगे ना? इंडियन डेफिनेटली, जो इंडियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं इंडियंस को, ठीक है, क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी एक वक्त तक वहाँ काम कर सकता है तो अच्छा। हाँ, और उसके बाद उसको एक बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है कि आया कि ये यहाँ पे क्यों काम कर रहा है, उसकी क्या वजह, मतलब काम कर रहा है, और उसकी वजह ये हमारी बैकएंड पे जो कंट्री है उसकी वजह से एक एम्प्लॉयमेंट है वो भी खराब है, इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब है, ये चीजें बेहतर एक तो कैसे होंगी, दूसरे नंबर पे जैसे हम अभी कंपैरिजन नहीं मैं कहूंगा सीखने की बात कर रहे हैं कि भाई नेबर कंट्री आगे चला गया, उनके जो उनसी जो डायस्पोरा है इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट करते हैं, हमारे भी शायद विजिट करते हैं लेकिन हमारे करते हैं जाके वो ट्रेड की नहीं, वो एड की बात करते हैं, वो जाके ट्रेड की बात करते हैं, तो ये बेहतरी आ सकती है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान लाया कर रहा है इस टाइम फाइनेंशियल एड पे बस, ठीक, और कुछ भी नहीं तो है। ये कितनी देर हो सकता है, मतलब कितनी देर, इवन सऊदी अरेबिया भी हमें कितनी देर हेल्प करेगा, इवन चाइना हमें कितनी देर हेल्प करेगा, ये तब तक चलता रहेगा सिलसिला जब तक हमारा जो मुल्क है चला नहीं जाता उनके पास। अच्छा, हाँ। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ट्रेड के लिए, जो ज्यादातर आपने बोला कि भाई वो जाके विजिट करते हैं, हम जाते हैं एड के लिए, फर्क ये कैसे दूर होगा? देखें, उसमें सबसे पहले तो फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट के अलावा हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, ठीक है, जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अदर कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं जबरदस्त, लेकिन अपने कंट्री में ना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं ना इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। तो देखें, जब तक आप खुद को बेहतर नहीं करेंगे आप दूसरों पर रिलाय करके कितनी देर जिंदा रहेंगे, ठीक है, और सबसे पहले आपको अपने आप को बेहतर करना चाहिए, ठीक है, आप अपनी कंट्री के बारे में सोचें, आप ये अपने इक्तदार अपनी कुर्सी ओपोजिशन से लड़ाई झगड़े के निकल के
बेहतर है कि अपने आप पाकिस्तान पे फोकस करें। और इसमें मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जो अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि पाकिस्तान का ये डिपार्टमेंट, चाहे रेलवे का डिपार्टमेंट हो, चाहे PIA हो या स्टील मिल हो, जी काम नहीं कर पा रहा, खसारे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। लेकिन उन्हीं मिनिस्टर के अपने बिजनेस दिन ब दिन ग्रो करते नजर आते हैं, वही मिनिस्टर कभी लंदन में फ्लैट लेते नजर आते हैं, वही पॉलिटिशियन कभी दुबई में अपनी प्रॉपर्टी बनाते नजर आते हैं। यहाँ पे ये चीज सोचने वाली है कि वो लोग शायद अपने साथ सिंसेर हैं या पाकिस्तानी अपनी जेब के साथ सिंसेर हैं, अपने कंट्री के साथ उस तरीके से सिंसेर नहीं है। ये मेरी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, इस बात पे एग्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख लेंगे अगर किसी डिपार्टमेंट में चले जाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आप खसारे में जा रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर आप उन्हें कहते हैं कि कुछ रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, वो आगे से कहते थे हमारे पास एम्प्लॉयज नहीं है काम करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट पे नहीं कर सकती है, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट अपने प्लेटफॉर्म्स को अच्छा नहीं बना सकती तो फौरन यहाँ पर आके क्या करेंगे? अच्छा, 100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने जा रही है, जो एक न्यूज आ रही है कि भाई क्या समझते हैं, उससे रिलेशन कितने बेहतर होंगे उनके, और इसके अलावा उतना मतलब 1 मिलियन जॉब्स वहाँ पे क्रिएट होंगी, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया वालों की एक पहचान बनेगी मजीद? ऑब्वियसली पहचान तो बनेगी बनेगी, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे, नौकरियों की तरफ आएंगे, जॉब्स की तरफ आएंगे, ठीक है? और आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे दूसरे कंट्रीज के साथ, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। ये होगा कि फिर हम उनको देखेंगे, हम फिर थोड़ा डाउन फील करेंगे, डाउन, और अभी भी डाउन ही फील कर रहे हैं। और अभी शायद इसी वजह से ये कहा जाता है भाई इंडिया की तो बात ही ना करो, क्योंकि आप इंडिया की बात करते हो तो हम डिग्रेड हो जाते हैं, पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है। नहीं, इंडिया की बात करने का मकसद ये होता है कि भाई आज भी हमारे पास मौका है, जो गलतियां हम कर रहे हैं उनसे देख के सीख लें, जैसे उनके पॉलिटिशियन, जैसे उनकी यूथ अपने कंट्री के साथ लॉयल है, सिंसेयर है, हमें भी वैसे होना चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस को भी, हमारी यूथ को भी, और नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। आपको नहीं लगता कि अगर सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, अभी इंडिया की आर्मी, इंडिया की अगर हम बात करें एयरफोर्स, इंडिया की नेवी सऊदी अरेबिया में जाके वर्ल्ड डिफेंस शो हो रहा है 2024, वहां पे उनकी रिप्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान से उन्हें बुलाया नहीं सऊदी अरेबिया ने, मतलब देखे ना इधर से रिलेशन का आइडिया हो जाता है। रिलेशन का आइडिया ये कि वहाँ पे जो जितने भी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, इंडियन जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब वो अपनी जॉब को इतना सिंसियरिटी के साथ निभाते हैं। अब पाकिस्तान क्या रिलाय करता है, वो अपने माइंड में पहले ही चीज रखता है कि मैंने वहाँ जाके 2 नंबरी लगानी। एजुकेटेड बंदा भी इस तरह की चीजें जो अपने माइंड में रखे, लेट्स सपोज जो एजुकेटेड नहीं है उसे तो उसकी तो समझ आती है कि यार मौका मिला वक्ती तौर पे कुछ ना कुछ जेब में डाल लो, लेकिन आप जैसा या मैं, मेरे जैसा कोई, मुझे मैं सऊदी में जाऊंगा, मैं जॉब के साथ ये भी माइंड में रखूंगा कि यार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हम अगर 2 नंबरी वहाँ पे करते हैं यार, क्या मतलब हमारी सोच में और इंडियंस की सोच में फिर फर्क है बिल्कुल। हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा कर सकते, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने करने से पहले हम कहते हैं यहाँ पे ज्यादा पैसा, वहाँ पे भागते हैं, ठीक हो गया, क्यों भागते हैं, क्योंकि बैकएंड पे हमारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान में, ये चीज है कि फैमिली को कुछ ना कुछ ज्यादा पैसे हम दे सकें। लास्ट में आप कोई मैसेज यूथ को देना चाहें, पाकिस्तान की जितने भी लोग हैं, जहां से भी लोग देख रहे हैं, एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि बजाय आप दूसरी कंट्रीज के जाने के, आप अपने मुल्क में रह के मेहनत करें, आप अपने जाए दूसरे कंट्रीज में जाए, मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहां पे जाके पाकिस्तान के लिए, चाहे आप वहां पे स्वीपर हैं, चाहे आप वहां पे मैनेजमेंट पोस्ट में, लेकिन एक अच्छा इमेज छोड़ के आए। आप देखें, आप अदर कंट्रीज में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जब तक आप पाकिस्तान की इमेज अच्छी शो नहीं करोगे और आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। जब आप अपनी कंट्री के साथ लॉयल नहीं हो तो आप दूसरों की कंट्री में जाके कैसे वो आप पे ट्रस्ट करें कि आप उनके साथ लॉयल रहे, और फिर उन्हीं कंट्रीज के जो गवर्नमेंट है वो कैसे पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि एक पूरा इंटरनेशनल सर्वे होता है, लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ के लोगों की सोच क्या है, यहाँ के पॉलिटिशियंस की सोच क्या है, और उसी सोच की बिना पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, चाहे पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लोग मौजूद हैं, या एज एजुकेटेड यूथ, क्या आप अपनी एक ओपिनियन लास्ट में देना चाहेंगे? मैं ये ओपिनियन देना चाहूँगा कि अगर आप अब्रॉड भी जाते हैं, वहाँ स्टे करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, बैचलर्स के लिए मैं दे रहा हूँ कि अगर आप वहाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन आप ये बात माइंड में रखें कि आपको लॉयल्टी शो करवानी है अपनी कंट्री के साथ, ठीक है। अगर आप वहाँ पर रह के भी अपनी कंट्री के साथ लॉयल्टी शो नहीं करवाते, तो फिर जो आने वाला पाकिस्तानी जब वहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली उसको भी उस नज़र से ही देखा जाएगा जो कि इस समय हमें देखा जा रहा है। हमें हमारी सिर्फ माइंड में ये बैठा है कि जज्बाती नारे लगा दो, पाकिस्तान जिंदाबाद, और 14 अगस्त पे आप जो सा वो परचम लहरा लो, यही पाकिस्तान से मोहब्बत की निशानी है। प्रैक्टिकली कुछ करो या ना करो, हमारी ये निशानी है कि हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें एक फिल्म एटीट्यूड के साथ देखा जाता है कि
ये काम करने के काबिल नहीं है, ठीक है, ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये कोई फ्रॉड ना कर, हाँ, ये कोई फ्रॉड ना कर दे, ठीक है, हो गया। तो मोस्टली पाकिस्तानी जो होते हैं वो डिपोर्ट इस वजह से होते हैं कि वहाँ पे वो अपनी दो नंबरी लगाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सारी देखें ये सिचुएशन ये है कि वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि बैकेंड पे अगर हमारी कंट्री अच्छा रिस्पांस दे रही हो तो उनको कुछ करने की जरूरत तो ना, ठीक हो गया। यही चीज है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का भी सोचने की जरूरत है, पाकिस्तान की पब्लिक को भी सोचने की जरूरत है। अभी इनकी चाय आ चुकी है, मजीद टाइम नहीं लेंगे, अच्छा लगा बात करके। लास्ट में ये बता दें ये कप कितने का मिल रहा है? ये कप 70 रुपए का मिल रहा है, 70 रुपए का। अगर कैमरा मैन दिखाएं 70 रुपए का कप है, आप लोग जहां से भी देख रहे हैं सेम यही कप आपको वहां से कितने का मिलता है, स्टॉल से, काम से स्टॉल से, ये जरूर कमेंट में बताइएगा। बहुत शुक्रिया ब्रदर। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा 100 बिलियन तय से जैसे खाला जी का वाड़ा सुकून से 100 बिलियन ले 100 बिलियन स्विट्जरलैंड इन्वेस्ट करने जा रहा है इंडिया के अंदर। तो भाई करेगा, इसमें कोई हैरानी की वाली बात है? वो अतबार के अलावे जो काबिल है वो लायक है, मतलब के वो चोर तो नहीं ना हमारी तरह, और ना ही हमारी तरह वोट चोर। इस तरह आज वोट चोर हो, चोरी हो से वोट तो डेफिनेटली वो तो आज का दिन है ही, इसलिए हमारे इमरान खान साहब ने मतलब के पूरे 4-5 सूबों में से जो है ना अक्सरियत के साथ जो है ना कामयाब हुए। क्लीन स्वीप करना भाई, हमारे ये कह रहे हैं कि मुद्दे की बात ये है कि दुनिया जो है ना वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी जहां पे वो अपना पैसा सेफ महसूस करेगी, जहां पे अमन होगा, जहां पे सुकून होगा। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया इंडिया को देख रही है उस नजर से, और पाकिस्तान को भी देख रही है कि पाकिस्तान क्या चवले मार रहा है। आप ये जो देख रहे हैं कि स्विट्जरलैंड है वो 1 मिलियन जॉब दे रहा है इंडियन को, 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट, और 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहा है। ये कोई कह ले कि आम सी बात नहीं है भाई, इन्वेस्टमेंट ऐसे ही आती है जहां पे शांति हो, जहां पे उसको पता हो लगाएगा जो पैसे है ना वो ज्यादा नहीं होंगे। और दूसरी तरफ रहमतुल्ला भाई ये कह रहे हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान की बात की जा रही है, तो भाई पाकिस्तान में मैं कहता हूं कि शेर चौधरी ने भी ये बात की है कि कितनी इन्वेस्टमेंट कोई कंट्री करेगा, कोई 5 बिलियन करेगा या नहीं करेगा। मैं कहता हूं कि वो 5 बिलियन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अपना 500 रुपया भी ना लगाए इस कंट्री में। आज मेरे ख्याल में 30 घंटे तकरीबन होने जा रहे हैं या हो चुके होंगे इलेक्शन हुए हुए हुए, लेकिन अभी तक जो है ना वो रिजल्ट नहीं आना उसका चल सके। तो इस मुल्क का मैं कहता हूं कि अल्लाह ही हाफिज है, बेड़ा बिल्कुल गर्क हो चुका है, जिसमें 2 दिन अभी हो चुके हैं, 2 दिन से ऊपर टाइम निकल चुका है, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि कौन जीता या कौन हारा। यहाँ पे सारे चोर उचके हैं, तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई बंदा 500 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता भाई, बाकी होना भी नहीं है, क्योंकि हमारे हालात हमारे काम देखें। क्योंकि मैंने सुना है कि जो हमारी आर्मी का सबसे बड़ा जो रोल हमारा है वो तुम्हें पता भी है, तो सुना ये है कि उस वजह से कोई भी कंट्री कोई भी कंपनी जो है ना वो इन्वेस्ट नहीं कर रही पाकिस्तान में, क्योंकि उनको पता है कि पहले चाइना का यहाँ पर क्या हाल हो रहा है, सी पैक देख लें कि उसका क्या हो रहा है। चाइना का सारा पैसा जो हमारे खासकर जो हमारे सबका आर्मी चीफ जनरल आसिम सलीम बाजवा वो बाहर निकल गए हैं, तो इसी वजह से ज्यादा नाम बदनाम हो गया। हमारे यहाँ से जो फैक्ट्रियां हैं वो चली गई हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश देख रहे हैं कि 1971 में आजाद हुआ है और आज हमसे आगे है उनका भाई, उनका एक पैसा मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान के 3। ये अजूज मजूज यजूज मजूज की वो कौम है जो दुनिया का सारा पैसा भी खा ले, सारी दुनिया का पानी भी पी ले, सारी दुनिया की हर चीजें भी खा ले, तो मैं कहता हूँ कि इनका ये जो जहन्नम वाला पेट है ना वो कभी नहीं भरेगा और ना कभी इसने मुकम्मल होना है यार। इतनी ये ऐसी सूरत हाल हमारे मुल्क की आज तक ना हुई है ना कभी, तो ये भाई ऐसी सूरत हाल है हमारे मुल्क में कोई 100 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और मैं कहता हूं कि उसको करनी भी नहीं चाहिए, चाहे वो चाइना है, इंग्लैंड है, यूके, कोई और जो मर्जी मुल्क हो, उसको भाई 100 रुपए की भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में तेल ही नहीं है भाई। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि ये यूएई जो उसने कहा है ना कि मैं 100 बिलियन की जो है ना बिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा कश्मीर में,
तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ वो ये 100 बिलियन की 200 बिलियन की ये पाकिस्तान में करता अगर हम एतबार के काबिल होते, इस लायक होते, और या हमारा वजीर आजम इमरान खान होता तो कोई भी क्यों बात, क्योंकि नली बदली शायद है। यार वो बात नहीं है, शायद कोई इंडिया में मतलब स्विट्जरलैंड इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन शायद इमरान खान होने की वजह से ये पाकिस्तान में करता, लेकिन वो भी भाई सही है क्योंकि अपनी जगह पर उन्होंने पैसा जाया तो नहीं करना। इंडिया में जितना भी बात इतनी है भाई, चाइना जैसी कंपनी मेरी सुन यार, इसका फ्यूचर को नहीं, पाकिस्तान का फ्यूचर जाता है, कोई पाकिस्तान में कोई सियासी पार्टी है, पाकिस्तान में कोई सियासी पार्टी क्यों नहीं है, पाकिस्तान में सियासी पार्टी है। ये अभी अभी आज की न्यूज है कि नवाज शरीफ साहब मरहूम मरहूम मरे हुए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि आप जो है ना हमारा साथ दें, सारी जमातें मिलके हम मुल्क को दल दल से निकालेंगे। पहले मार चुके थे आप, 35 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क आप लोगों ने कर दिया, और आज कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जाएगा इंडिया के अंदर। इंडिया की इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है, उनके तमाम जो इलेक्ट्रिक भाई जो बातें वो करते हैं वो सच करते हैं, उस पर अमल पैर। पहली बात तो बात यह कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब आते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं आते और अपनी मुद्दत पूरी करते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है, आज ही हमारी जो स्टॉक मार्केट है असलम भाई 2000 पॉइंट से गिरी है, 2000 पॉइंट से। क्या वजह, इलेक्शन का कोई रिजल्ट नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा कौन जीतने वाला है, ना कि यहाँ पे कोई इलेक्शन कमीशन है, ना पे यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना यहाँ पे कोई हाई कोर्ट है, ना यहाँ पे कोई जजेस है, सारे करप्ट है, सारे जीतों के नीचे है, जिसकी वजह से वो आज 30 घंटे तकरीबन लगभग हो चुके हैं, कब किसी की हिम्मत ही नहीं पाड़ी कि वो इलेक्शन कमीशन की भी हिम्मत नहीं पाड़ी कि वो जो है रिजल्ट अनाउंस कर दे। यार इतना प्रेशर जोर आर्मी का है। चलो ये ख्याल, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया यार, हम तो यही कहेंगे, आई एम प्रे फॉर अस। मिलते हैं वीडियो में नाड़ा साहब, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।